तो दोस्तों इंडिया के अंदर पबजी दोबारा घुसने की पूरी कोशिश कर रहा है, और कल ट्यूसडे को 23 तारीख को ये वापस इंडिया में आने की बात चल रही थी, लेकिन हालांकि प्ले स्टोर में पबजी अभी तक वापस आया नहीं है, लेकिन वापस आने की पूरी बातें चल रही है। तो दोस्तों यहाँ पर बात की जाए पबजी वापस आए या ना आए, लेकिन 43 एप्स गवर्नमेंट ने और बैन कर दी है, जिसमें अलीबाबा की सारी चाइनीज एप्स को उड़ा दिया है। P4 पबजी और P4 पेटीएम वाउचर, तो यहाँ पर आप डेफिनेटली पेटीएम वाउचर जीत सकते हैं आप में से कुछ चुनिंदा लोग, जो कि आप स्क्रीन पर देख ही पा रहे हैं कि हमारे प्रीवियस विनर्स हैं जो ये रिवॉर्ड ऑलरेडी जीत चुके हैं। और यहाँ पर मैं आपको ट्रांजैक्शन की स्क्रीनशॉट भी शेयर कर देता हूँ। तो दोस्तों मेरी वीडियोस में आपको मिलेंगे पेटीएम वाउचर्स, आप भी ये सारे रिवॉर्ड जीत सकते हैं। इसके लिए आपको सारी इंस्ट्रक्शंस फॉलो करनी पड़ेंगी, वीडियो के अंदर मैं सारी इंस्ट्रक्शंस आपको बता दूंगा। तो फटाफट वीडियो स्टार्ट करते हैं, मैं हूँ रोहित और आप देख रहे हैं टेक इन मिनट्स। इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन ऑफ MHA की रिपोर्ट के अनुसार यहां पर सामने आता है कि 43 एप्स को पबजी के आने से पहले ही दोबारा बैन कर दिया गया है। और दोस्तों जितनी बार भी इंडियन गवर्नमेंट ने चाइनीज एप्स को बैन किया है तब तब मैंने वीडियो बनाई है। और दोस्तों सिक्योरिटी रीजंस की वजह से इनको बैन करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और दोस्तों बची बात पबजी की, तो दोस्तों इंडियन वर्जन में लॉन्च होने वाला है, कल लॉन्च होने की बात हुई थी, लेकिन अब जल्द से जल्द इंडिया के अंदर लॉन्च हो जाएगा। एंड द रीजन बिहाइंड ऑफ बैनिंग दीज चाइनीज एप्स बाय द इंडियन गवर्नमेंट इज मेनली मेकिंग ए वेरी हाई प्रॉफिट By the China. इसी को देखते हुए Confederation of All India Traders has decided to boycott all the Chinese products in India. इसी के चलते चाइना को इस दिवाली पर 40,000 करोड़ का नुकसान झेलना पड़ा only because of Confederation of All India Traders. यहाँ पर बात करते हैं 43 apps के बारे में जो कि बैन हुए हैं। इसमें जो मेजर apps हैं वो अलीबाबा की हैं, जिनको अलीबाबा के बारे में पता नहीं है, ये बेसिकली अलीबाबा अमेजोन की तरह है। ये चाइना का सबसे बड़ा ट्रेडिंग इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए, जो कि बल्क में सामान ट्रांसफर करता है इधर से उधर, चाइना की इंपोर्ट एक्सपोर्ट की सबसे बड़ी कंपनी है जो कि यहाँ पर बैन हो गई है। अली एक्सप्रेस भी इसी की सब्सिडरी ऐप है जिसको हम इंडिविजुअल कस्टमर्स भी यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये सारी अली एक्सप्रेस की जितनी भी है वो सारी बैन हो चुकी है। स्नैक वीडियो टिकटॉक की छोटी बहन, इसको भी इंडिया से भगा दिया गया है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि स्नैक वीडियो के भी 200 मिलियन डाउनलोड हो चुके थे अभी तक। इसी के अलावा कुछ कैम कार्ड, बिजनेस कार्ड रीडर वगैरह कुछ थे जो कि कुछ काम के तो थे नहीं वैसे भी। और इसी के अलावा यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं जो कि बैन हुए हैं फ्री डेटिंग एप्स। तो दोस्तों यहाँ बहुत ही चीप एप्स हमें यहाँ पर देखने को मिलते थे, जिन्हें बैन करना बहुत ही अच्छा स्टेप यहाँ पर लिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से। इसी के साथ में हमें यहाँ पर मैंगो टीवी, वी टीवी, ये टीवी, फालतू की चीजें जो यहाँ पर हमें देखने को मिलती थी, ये सारी चीजें यहाँ पर बंद हो चुकी है। यहाँ पर जो 43 एप्स को जो यहाँ पर बैन किया गया है ये गवर्नमेंट की तरफ से, मेरे ओपिनियन से बात की जाए तो बहुत ही अच्छा स्टेप यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से लिया गया है। तो दोस्तों फाइनली बात करते हैं पेटीएम वाउचर जीतने के प्रोसीजर के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर आपको करना कुछ नहीं है, सिंपल सी 2-3 चीजें फॉलो करनी है। सबसे पहले जो भी इस चैनल पे पहली बार आए हैं उनको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल आइकन को दबा के ऑल पर क्लिक करना पड़ेगा। सेकंड थिंग, मेरी जितनी भी वीडियोस आती हैं उनको आपको शेयर करना पड़ेगा अपने रिलेटिव्स और अपने फ्रेंड्स के साथ, और उसकी स्क्रीनशॉट लेकर आपको मुझे सेंड करनी पड़ेगी मेरी मेल आईडी पर, और मेरी मेल आईडी आपको मेरी डिस्क्रिप्शन पे मिल ही जाएगी। और जैसे कि ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो बना रहा हूं तो ये वीडियो थोड़ी शॉर्ट रहती है, इसमें मैं आपको ये सारी इंस्ट्रक्शंस बता रहा हूं, लेकिन मेरी सारी वीडियोस मैं आपको शेयर करने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरी जो अनबॉक्सिंग वाली वीडियो होती है वो थोड़ी लेंथी होती है, मैं उसमें आपको डिस्कस नहीं कर पाता हूँ, लेकिन जो पेटीएम वाउचर जीतने वाली जो बात है वो मेरी हर एक वीडियो में एप्लीकेबल होती है। तो दोस्तों आपको ज्यादा कुछ करना नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है एंड शेयर करना है, जिससे मुझे मिल जाए थोड़ा सा मोटिवेशन वीडियो बनाने के लिए। तो दोस्तों मैं मिलूंगा आपसे ऐसी इन्फॉर्मेटिव और अनबॉक्सिंग वीडियोस के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।